हम ट्रेंड्स बात कर रहे थे कि आर्टिकल 17 की, तो आर्टिकल 17 में जो है इसमें है अस्पृश्यता का अंत, बात करें छुआछूत का अंत है कि जो पहले हमारी रीतियां जो चली आई उसका जो अंत हुआ तो वो आर्टिकल 17 में हुआ। अब बात करें कि आगे ये आर्टिकल 18 की मैं बात करूं तो इसमें जो है उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत है कि कोई अपने नाम के आगे बहुत सारा टाइटल लगाता था तो उसका जो उपाधि है ये खत्म कर दिया। अब बात करें इसी के साथ में किन की उपाधि रह गई, तो वो शिक्षा संबंधी और दूसरी जो है सेना संबंधी, दो लोग हैं जो अपनी उपाधियों को विवरण कर सकते हैं या अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं। बाकी राजा रानी या कोई भी दुनिया की उपाधि है वो समाप्त कर दी। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और बात करेंगे हम इसी के आगे पार्ट, इसी पहला हो गया अधिकार और बात करेंगे दूसरे अधिकार। हमने अभी तक बात की जो समानता का अधिकार, अब बात करते हैं नंबर दो के अधिकार की। तो ये जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो अधिकार में हम बात कर रहे हैं ये आर्टिकल कहां से होगा, तो हमने जो 18 तक पढ़ लिया ये उसी के आगे 19 से लेकर 22 तक होगा। अब 19 वाले में आर्टिकल में ही आदमी को बहुत सारी आजादी दे दी, बात करें 6-7 का आजादी दे दी आर्टिकल 19। इसमें क्या है कि बात करें सीधे सीधे एक शब्दों में कहें प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की आजादी, अगर ये पूछ ले कौन से आर्टिकल में है तो आर्टिकल 19 में है जो हमें बोलने की आजादी है, फैशन की अधिकारी आजादी है, कपड़ा पहनने की अधिकारी आजादी है, किसी से सवाल पूछने की अधिकार आजादी है, या भारत में कहीं भी रहने के लिए आजादी है और व्यापार की आजादी है। इसमें बहुत सारी आजादी दी गई है जो ए से लेकर और ये शायद ई तक जाता है, एफ से लेकर ई तक जाता है। फ्रेंड्स डिटेल में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं उन आर्टिकल 20 की। तो अपराध, अब बात करें अब सॉरी फ्रेंड्स अपराध, अपराधों के दोष से धोने पर, सॉरी हाँ दोष। अब बात करते हैं यहां पर क्रिमिनलाइज से बात करते हैं, अपराध किया है अगर जो सिद्ध हो गया तो उसके लिए कुछ हमें अधिकार दिए हैं तो उनके अधिकारों की बात है, या आप दोषी हैं आपने कोई क्राइम किया है उसके लिए भी आपको आजादी है और आप अपने वकील से मिल सकते हैं, ये सब आजादी है जो इसमें दिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक आजादी है, स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक की आजादी है इसमें। अब और इसी के एक और आर्टिकल जोड़ा गया था 1942 सॉरी फ्रेंड 1986वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो ये जो हुआ था 2002
की सरकार थी और इसमें शिक्षा का अधिकार मिल गया था, शिक्षा का अधिकार। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किसमें है, तो ये यहीं पर है शिक्षा का अधिकार। और ये कब से है, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के लिए है। एक गवर्नमेंट देती है कि 6 से 14 तक के जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट के केंद्र स्कूलों में फ्री पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल, अब बात करते हैं 22 के, आर्टिकल 22। तो यहां पर अपराध सिद्ध हो जाने के बाद कुछ स्वतंत्रता है, और यहां पर जो है ये है फ्रेंड्स, जब हाँ ये जो है गिरफ्तारी के कुछ दशा में गिरफ्तारी की स्वतंत्रता है, मतलब कुछ दशाओं में जो है वो बात करूं इस बारे जो संरक्षण है, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण है। अब ये जो है हमारा दूसरा खत्म हो गया, और इसी के बाद में अब बात करेंगे हम तीसरे की। अब हम जो तीसरे की बात करेंगे तो इसमें जो बात करेंगे शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो हमारी स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं ये आर्टिकल 23 से 24 में है, जो बताते हैं कि शोषण के विरुद्ध क्या क्या हमारे अधिकार हैं। तो हम शोषण के विरुद्ध अगर जो अधिकार बात करें तो मानव दुर्व्यवहार आर्टिकल 23 में, मानव दुर्व्यवहार। अब ये हो गया, अब ये आर्टिकल 24 की बात करें। अब मैं थोड़ा सा अगर जो बता दूं कि मानव दुर्व्यवहार क्या है, मानव दुर्व्यवहार ये है कि आपने किसी को काम में लगाया, अब बेचारा उसे उतना ही काम कराएंगे जो एक मानव से मतलब करवाना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको लेके आए और उससे काम जानवर की तरह करवा रहे हैं। और इसी में जो बाल, इसी में जो है बलात्श्रम है, बलात्श्रम मतलब किसी मजदूर से आप जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ये बलात्श्रम है। और बात करें आर्टिकल 24 में तो ये कारखाने में मतलब बच्चों के लिए मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो कारखानों में मतलब कार्य नहीं करेंगे जिनकी एज 14 साल से छोटी है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हमने बात की है मौलिक अधिकारों की। तो फ्रेंड्स आगे ही अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे और जो है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, और धार्मिक स्वतंत्रता के बाद ही संस्कृति की स्वतंत्रता है, और भी जो बचे हैं हमारे संवैधानिक है, औपचारिक की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे आगे क्लास में। तो यहाँ तक के लिए देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, एंड देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।